है और मर्द फांसी लेते हैं अक्सर टेंशन, कर्ज ज्यादा हो गया इसलिए अब अदा कैसे होगा। बहुत आसान सी सूरत है, कर्ज ज्यादा हो गया अदा कैसे होगा। अव्वल चीज तो कर्ज होता क्यों है, कर्ज होता इस वजह से है कि आदमी अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाता है। उसकी आमदनी 100 रुपए है, वो 150 रुपए खर्च करता है, जिसको कहते हैं झूठी शान दिखाना। हमें देखो, हमारे घर को मत देखो, ये कैफियत कुछ लोगों की होती है। सूट बूट में है, घर में हाल ये है, माँ बाप को 500-600 रुपए दे दिए और जितने पैसे दोस्तों में उड़ाए, और दोस्तों में उड़ाते उड़ाते फिर जो दोस्त पैसे खर्च करता है उसके इर्द गिर्द दोस्तों का ऐसा हल्का बन जाता है, रिकामे दोस्तों का, कि वो उससे हमेशा जो है वो खाते रहते हैं। और उनकी पोजीशन ये है जैसे गुड़ के करीब मक्खियां, जब तक गुड़ होगा मक्खियां होगी, जब गुड़ नहीं होगा मक्खियां भाग जाएगी। यही सूरत हाल उन मतलबी दोस्तों की है, मतलब परस्त दोस्तों की। दोस्त तो उसे कहते हैं कि जो कंधे पे हाथ रख के कहे चल तो वो पूछे भी नहीं कहां चल दे, दोस्ती इसका नाम। आजकल की दोस्ती तो मतलब ही है, माल देखा दोस्त बन गए, दौलत देखी दोस्त बन गए, इक्तदार देखा दोस्त बन गए। तो दोस्तों पे खर्च करते हैं या फजूल खर्ची करते हैं, मकरूज होते हैं। याद रखें, यहां तक फरमाया गया, हत्तल इम्कान कर्ज मांगने से बचो, अगर जरूरत भी आन पड़े कर्ज मांगने से बचो। बिला जरूरत कर्ज मांगना ये रोजी की तंगी में मुब्तला कर देने का जरिया है। बहुत सारे बुजुर्गों को देखो, पेट पे पत्थर बांधा लेकिन कभी कर्ज नहीं मांगा। क्यों? इसलिए कि ज्यादा कर्ज इंसान के लिए बेबरकती का जरिया होता है। अब कर्ज पे कर्ज बढ़ता है, और आजकल मालेगांव में जो कर्ज का अंदाज है, जो कर्ज की कैफियत है, वो ये है कि सूद के जरिए से कर्ज लिया जाता है, सूद के जरिए से कर्ज लिया जा रहा है। अब सूद इंटरेस्ट उसके जरिए से कर्ज लिया गया, भर नहीं सके, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, चौबल हुआ, पचपल हुआ, इस तरह बढ़ता जाएगा। फिर एक वक्त वो आता है, जो लोग सूद से पैसा देते हैं वो अपने इर्द गिर्द गुंडे रखते हैं, अपने आस पास डेरिंगबाज लड़के रखते हैं। अब आप उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं तो वो भाई लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, चलो पैसा निकालो। पैसा नहीं निकालते तो कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कई धमकी दी जा रही है। आदमी जहनी तौर पे मफलूज हो जाता है, करे तो क्या करे, आखिर में वो फांसी लेता है, जहर पीता है या खुदकुशी करता है। मैं कहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से कहा था, ए अली कनात पसंद बन जाओ, अपने अंदर कनात का दर्जा रखो, कनात की पोजीशन रखो, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। यानी अगर तुम 2 रुपए कमाते हो तो 1 रुपया खर्च करो और 1 बचाओ, अपने अंदर कनाट। अगर तुम 100 रुपए मीटर का कपड़ा पहन सकते हो तो 98 रुपए मीटर का पहनो, 2 रुपया बचाओ। ये कनाट पसंदी है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा ईमान है, बल्कि हुजूर की हदीस है, आका फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बन करके चले, हुजूर की शान ये है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल पेट पे पत्थर बांधते हैं। पेट पे पत्थर क्यों बांधते हैं? इसलिए बांधते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब गुर्बत की चक्की में मेरा उम्मती पिसेगा तो उसको मेरा पेट पे पत्थर बांधना याद आ जाएगा। और वो भूख में जब पेट पे पत्थर बांधेगा तो वो रोएगा नहीं बल्कि वो फक्र करेगा, आज मैंने हुजूर की सुन्नत पे अमल किया है, मेरे आका की सुन्नत पे अमल किया है।